जय हिंद। CSD पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम अक्सर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन गलतियों को ठीक कराने के लिए या फिर आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी चेंज हो गई उसको अपडेट कराने के लिए, तो पहले आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी अपडेट कराना होता था तो आपको CSD हेल्प डेस्क पर मेल सेंड करनी पड़ती थी और वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपडेट करते थे। लेकिन अब ये प्रोसेस चेंज हो गई है, अब आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी अपडेट खुद से ही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे अपडेट कर सकते हैं। CSD पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट करने के लिए आपको अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउजर में www.afd.csdindia.gov.in को सर्च कर लेना है और डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड और जो कैप्चा है वो एंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन होने के बाद आप जो CSD पोर्टल के होम पेज पे आओगे तो इसमें जो लेफ्ट साइड में मेन्यू का बटन दिया गया है आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो जो ये अपडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल गलत फिल हो गई है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर कोई ग्रोसरी कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ चेंज करना है वो आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो भी चेंज कर सकते हैं। या फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, खासकर जो ESM है, एक्स सर्विस मैन है, वो गलत की क्या कर लेते हैं, वो जो रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन है उस पर क्लिक कर देते हैं और फिर बाद में मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर जब भी किसी प्रोडक्ट पे या किसी कार पे क्लिक करते तो उस पर ये लिखा जा रहा है कि यू आर नॉट एंटाइटल टू परचेज दिस कार। तो आपको जो भी एक सर्विस मैन है उनको जो ESM दिया गया है उस पर क्लिक करना है, ना कि रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन पे। इसके बाद अदर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जो आपकी मंथ और ईयर वाइज सेलेक्ट करके जो भी डेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ आपकी जो रिटायरमेंट है वो भी आप ऐसे यहाँ पे मंथ और ईयर वाइज सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ एनरोलमेंट कमीशनिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वो भी अगर आपकी गलत फील हो गई तो आप यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे PPO डिस्चार्ज नंबर जो एक्स सर्विस मैन के लिए है तो उनका अगर नंबर गलत फील हो गया है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो एंटाइटलमेंट कैटेगरी है तो वो अगर आपने गलत सिलेक्ट कर ली है, 1 to 5 है, 6 to 9 आपने सेलेक्ट कर लिया तो ये चेंज करने तो आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। और कई लोगों का जिन्होंने अपडेट नहीं किया तो उनका यहाँ पे ब्लैंक दिखाएगा जो ये एंटाइटलमेंट कैटेगरी और पे लेवल है, तो वो जब तक उनका ब्लैंक रहेगा तो वो कोई भी प्रोडक्ट CSD पोर्टल से परचेज नहीं कर पाएंगे। तो वो आप अपना जो एंटाइटलमेंट कैटेगरी है वो और जो आपका पे लेवल है वो सिलेक्ट करके अपडेट कर लें, तब आप जो भी एक प्रोडक्ट के लिए चेकआउट करेंगे तो वो चेकआउट हो जाएगा। जब तक आप ये अपडेट नहीं करेंगे तो आप चेकआउट नहीं कर पाओगे। तो ये तो इस पेज पर आप यहाँ पे ये चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर चीज़ की बात करें तो फिर से आपको मेन्यू पे क्लिक करना है और नीचे आओगे तो आप यहाँ पे अपडेट मोबाइल ईमेल का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। तो आपको अगर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी चेंज करनी है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके सामने दो बॉक्सेज ओपन हो जाएंगे, एक में आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और दूसरा बॉक्स मोबाइल नंबर के लिए है। तो आपकी जो भी न्यू ईमेल आईडी है या फिर आपको कुछ भी चेंज करना है, चाहे वो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, तो आप इस पेज पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये फिल करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एडमिन के अप्रूवल के लिए पेंडिंग दिखाएगा, तो जब एडमिन अप्रूव कर देगा उसके बाद आप CSD पोर्टल पे डिमांड जनरेट कर सकते हैं। तो अब CSD पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट करने की ये कंप्लीट प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।